देखिए एक केस हुआ और पूरे मीडिया के अंदर मरकज़ निज़ामुद्दीन का नाम चल रहा है उस केस को लेकर के, भाई इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा थे। पहले तो मैं उसको बता देता हूँ आपको कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं था। सबसे पहले तो वहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है अभी तक, आप वहाँ के डॉक्टर से सुन सकते हैं, एक भी पॉजिटिव केस नहीं है मेरे पास आज की डेट में ऑफिशियली। ना आरएमएल से जहाँ जहाँ हमारे पेशेंट गए हैं कोई रिपोर्ट नहीं पॉजिटिव की आई है। दिस सस्पेक्टेड में तो हम भी सस्पेक्टेड हो सकते हैं, कोई भी सस्पेक्टेड हो सकता है। किसी खांसी आ रही है, हमारी ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वही सस्पेक्टेड हो जाते हैं, हम भी उनको भेज देते हैं। तो अभी तक हमारे पास अब अगली बात हम करते हैं कि वहां इतने सारे लोग क्यों जमा थे और ये गैर जिम्मेदाराना काम क्यों किया, कोई प्रोग्राम क्यों रखा गया। पहली बात, भारत सरकार तो व्यस्त थी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक बनी बनाई सरकार को गिराने के अंदर, इसलिए वो कोरोना का लॉकडाउन कहीं अनाउंस भी नहीं कर रहे थे। पीटीआई ने खबर जारी की थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कि कोई कोरोना का संकट नहीं है 13 मार्च को। 20 मार्च और उससे पहले भाजपा के मध्य प्रदेश में लोग किस तरह से जमा हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, इस सब को इसलिए ताकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सके। जब सरकार बन गई उसी दिन शाम में लॉकडाउन घोषित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। निज़ामुद्दीन मरकज धर्मशाला की तरह है, वहाँ लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं वहाँ से अगला अपना अपने घर की तरफ जाते हैं, जमाते वापस आती हैं। हर रोज 1500 से 2000 लोगों का फुटफॉल होता है। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जब कोरोना का संकट को क्लियर किया कि हाँ बीमारी मध्य भारत के अंदर है और लॉकडाउन घोषित कर दिया प्रधानमंत्री ने, जो जहां है वहीं रह जाए, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन घोषित किया। गलती किसकी? मोदी सरकार की। उसके बाद मरकज निज़ामुद्दीन की कमेटी ने जिम्मेदारी से SHO को इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स भी हैं, भारत के नागरिक भी हैं, सब लोग हैं, दूसरे स्टेट्स के भी लोग हैं, 1500 लोगों को हम उनके घर भेज चुके हैं, 1000 लोग अभी भी यहाँ फंसे होंगे जिसमें वॉलंटियर्स भी जो यहाँ काम करते हैं वो भी मौजूद हैं, आप इसको निकालने के लिए मदद कीजिए। ये लेटर मौजूद है वहाँ पर जिसकी रिसीविंग दी है SHO ने। SHO ने क्या कहा कि अभी आप रुकिए, अभी आप यहीं रखिए, हम कुछ करते हैं। मरकज निज़ामुद्दीन कमेटी ने ये काम है गाड़ियों के पासेस दे दिए ताकि हम निकाल सकें यहाँ से लोगों को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से। पर SHO साहब, पुलिस, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं एक्शन लिया। उसके बाद मरकज कमेटी ने किसको लिखा? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिल्ली के, कि हमें पासेस दीजिए ताकि हम लोगों को भेज सकें। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिसीविंग मौजूद है, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद SDM को लिखा कि SDM साहब पासेस दिलवाइए हमको ताकि हम लोगों को भेज सकें, पर SDM साहब ने भी कुछ नहीं किया। कहा DM के यहाँ आ जाओ। DM ने क्या कहा? DM ने कहा कि हम पासेस अभी देते हैं आपको, टालते रहा। DM SDM किसके अंडर में आते हैं? केजरीवाल सरकार के अंडर में आते हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस SHO किसके अंडर में आते हैं? मोदी सरकार के अंडर में आते हैं। इनकी नाकामी के ऊपर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मरकज को, जो निरंतर मेहनत करे जा रही थी कमेटी वहां की लोगों को निकालने के लिए, और सरकार के आदेशों का पालन करते हुए किसी को बाहर नहीं घूमने दिया, किसी को इधर उधर नहीं जाने दिया, वहीं पर रोक के रखा गया कि यहां से मत निकलिए, हमारी SHO से बात चल रही है, हमारी DM से बात चल रही है, आपको अपने घर पहुंचाएंगे। उसके बाद वहां एक भी कोरोना का केस पॉजिटिव अभी तक नहीं हुआ। अगर होते इतने केसेस पॉजिटिव 200-250 तो दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती, ये तरीका है, लेकिन दिल्ली पुलिस ऑफिशियल चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इसलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। बल्कि मीडिया इतने संदिग्ध पाए गए, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 60, कोई कह रहा है 250, कोई कंफर्म पॉजिटिव केस नहीं लिख रहा है क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। सिर्फ जनता के मन में ये बताना कि यहाँ केसेस हैं, सिम्टम्स मुझे भी हो सकते हैं, नजर जुकाम मुझे होगा तो मुझे आइसोलेट किया जाएगा, वहां भी कोई केस नहीं है। पर मीडिया कंटिन्यूस मीडिया ट्रायल में लगा हुआ कि पूरे देश में यहीं से फैलाओ, ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात, अगर आज आप देखें यहाँ पे तो किस लिए किया गया ये, क्योंकि 1.5 लाख मजदूर जो UP और दिल्ली की बॉर्डर में फंसे उनकी भयावह तस्वीरें, केजरीवाल सरकार की नाकामी, योगी सरकार की नाकामी, मोदी सरकार की नाकामी, और लोगों का उनको गालियां देना शुरू हो गया था, कहीं सैनिटाइजर से धुला दिया, नहला दिया, इतने जल्लादों वाला एटीट्यूड, उसको छुपाने के लिए, उन भयावह तस्वीरों को हटाने के लिए ये सब चीज़ें की गई जिससे कि ध्यान मुड़ सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बीमारी को हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए खामोश बैठे हैं कि आवाज उठाएंगे तो कम्युनल हो जाएंगे। अरे ऐसे कम्युनिज्म के ऊपर अगर आप फिक्र करने लगे तो भारत का क्या होगा? इस वक्त एक भारत का नागरिक बन के सोचिए और हक के साथ आवाज उठाइए कि जो हक है उसको बोलिए और सच बोलिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए केजरीवाल और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मोदी जी की सरकार इस तरह का षड्यंत्र रच रही है और वहां कोई पॉजिटिव नहीं है, याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा, गलत कौन है? जिनकी ड्यूटी थी लोगों को निकालना, या गलत वो हैं जो बार बार लिख रहे थे कि हमें निकलवाने के लिए पासेस दीजिए? अब सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।